दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्यूचर साइंटिस्ट एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्जेब्रा के बारे में। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसका नाम था बेबीलोन सिविलाइजेशन। लेकिन आज भी हमें इस सिविलाइजेशन में ऐसा पता चलता है कि ये एल्जेब्रा जानते थे। जैसे इस प्लिम्पटन टेबल को ही देख लीजिए, इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत समय बाद पाइथागोरस ने आकर डेवलप किए थे। मिस्र के इतिहास में भी हमें बड़ी मात्रा में एल्जेब्रा का इस्तेमाल नजर आता है। जैसे अगर हम पिरामिड्स को देखें तो हमें कई जगह एल्जेब्रा का इस्तेमाल नजर आएगा। वैसे तो ग्रीक्स ने ज्योमेट्रिक एल्जेब्रा को बनाया, जिनमें से एक का नाम सबसे पहले आता है जिसे कहते हैं यूक्लिड। उनका ज्योमेट्रिक एल्जेब्रा में बहुत बड़ा हाथ था। आपको भी यूक्लिड ज्योमेट्री पर सेपरेट वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ग्रीक से अगर हम बाहर देखें तो चाइना में भी हमें एल्जेब्रा पर काम नजर आएगा। इसी तरह से भारत के एक बहुत ही जाने माने खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, उन्होंने जीरो को डेवलप किया और उन्होंने हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी दिए। लेकिन आज की दुनिया में हम फादर ऑफ एल्जेब्रा अल-ख्वारिज़्मी को कहते हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनका जन्म उज़्बेकिस्तान के एक गांव में हुआ था। उसके बाद इन्होंने माइग्रेट किया बगदाद में, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, और वहां पर इन्होंने ज्ञान को इकट्ठा करा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, अपना नाम हासिल करा। पूरा नाम मोहम्मद बिन उर्सा ख्वारिज़्मी था और इन्होंने एल्जेब्रा पर बहुत ज्यादा काम किया। इसीलिए आज हम जब भी एल्जेब्रा की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे पहले आता है। इनकी लिखी गई किताबों में हम एल्जेब्रा के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि एक किताब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम किताब अल मुख्तसर ही हिसाब अल गब्र व अल मुकाबला, और इस किताब को कई भाषाओं में ट्रांसलेट करा गया, जैसे लैटिन में ट्रांसलेट करा गया और इसको ग्रीक में ट्रांसलेट करा गया, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा गया। किताब की लिखी गई कई चीजें आज भी हमें ट्रांसलेटेड किताबों में भी दिखाई देती हैं। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है अलजबर, इसका मतलब है रिस्टोरिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखाई है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, तो हम 2 को दूसरी तरफ ले जाकर 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी मदद से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमने x को रिस्टोर किया। इसीलिए इस किताब में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अलजबर। एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस किताब में, जिसे हम लोग मुकाबला कहते हैं, यानी के बैलेंसिंग। यहाँ पर मैंने आपको एक और इक्वेशन दिखाई है, x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस 3, और अब हमें y की वैल्यू को दोनों तरफ बैलेंस करना है, और हम ये जानते हैं कि y की वैल्यू दोनों तरफ बराबर होंगी, इसलिए हम y को काट देंगे। ये हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू मिल सकती है। इसका मतलब अलजबर यानी रिस्टोरिंग एंड मुकाबला यानी के बैलेंसिंग एलजब्रा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि जो एक्स हम लोग हर इक्वेशन में निकालने के लिए लगे रहते हैं, ये एक्स भी अरबी लैंग्वेज से ही आया है। वैसे तो एक्स हमें एल्जेब्रा की हर किताब हर इक्वेशन में नजर आता है, तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्स के इतिहास में। आपने भी ये जरूर नोटिस करा होगा कि जब आपने शुरुआती में एल्जेब्रा पढ़ा था तो आपको सबसे पहले एक्स दिखा था। जब ख्वारिज़्मी ने अरबी भाषा में एल्जेब्रा को बनाया तो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल करा था जिसे हम शीन कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शा शा, और शीन से एक वर्ड आता है शयुन शयुन, और इसी से एक और वर्ड बनता है अशयुन। अशयुन का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू मालूम नहीं हो, जिसे अननोन कहा जाता है। अशयुन का मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अशयुन शब्द का इस्तेमाल एल्जेब्रा की किताबों में बहुत ज्यादा होता था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है जिसमें अशयुन शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। आप ये हाइलाइटेड वर्ड्स को देख सकते हैं, यहाँ पर अशयुन का इस्तेमाल हुआ है। वक्त के साथ साथ इन किताबों को ट्रांसलेट होना था लैटिन में, ग्रीक में,
इंग्लिश में, और जब अरबी किताबों को ट्रांसलेट किया गया, अलजेब्रा की अरबी किताबों को ट्रांसलेट किया गया, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। और वो प्रॉब्लम ये थी कि स्पेनिश लैंग्वेज में श जैसा कोई वर्ड था ही नहीं। और इसका हल निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला ग्रीक लैंग्वेज की एक वर्ड से जिसका प्रोनाउंसिएशन है ख। ख को लिखने के लिए हमने एक ग्रीक सिंबल यूज करा जिसको कहते हैं खाए, खाए। और जब ये किताबें ट्रांसलेट हुई लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज में, तो उन्होंने खाए की सिंबल को देखते हुए, क्योंकि इसकी सिंबल एक्स से बहुत ज्यादा मिलती है, तो उन्होंने इसको एक्स से रिप्लेस कर दिया। और जब लैटिन भाषा में जो किताबें ट्रांसलेट हुई उसमें हमें एक्स वर्ड का इस्तेमाल नजर आता है, जिसका मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नोन नहीं है, वो अननोन है, जिसकी हमें कीमत निकालनी है, वैल्यू को निकालना है। अरबी लोगों ने अलजेब्रा का इस्तेमाल सबसे पहले इनहेरिटेंस में किया, यानी के तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक आदमी के पास 24,000 रुपए हैं, और जब उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है, तो उसके रुपए अब उनके बच्चों को मिलेंगे। इस्लामिक धर्म ये कहता है कि बेटों को बेटियों से दुगना धन मिलेगा, दुगना हिस्सा मिलेगा। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि अगर बेटियों को एक्स मिलेगा तो बेटों को 2x मिलेगा, और जब हम इन सब को जमा करेंगे तो हमारे पास 24,000 रुपीस आ जाएंगे। अब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, आप यहाँ देख सकते हैं 2x plus 2x plus x plus x is equal to 24,000। इसी तरह से जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 6x is equal to 24,000 और x की वैल्यू हमारे पास 4,000 आ गई। मुसलमानों ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले इनहेरिटेंस में किया। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, बेटियों को 4,000 रुपीस मिलेंगे। अब क्योंकि बेटों को बेटियों से दुगना मिलना था, तो 4,000 का हमने दुगना कर दिया, जो कि हो गया 8,000। तो लड़कों को 8,000 रुपीस मिलेंगे। तो इस तरह से मुसलमानों ने सबसे पहला अलजेब्रा का इस्तेमाल किया, वो इनहेरिटेंस में किया, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसी तरीके से ख्वारज्मी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी एक तरीका निकाला। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि सेकेंड ऑर्डर की है, उनके रूट्स को हम फॉर्मूले के साथ उनकी रूट्स को निकाल सकते हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको अलजेब्रा पर बनाई मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर अलजेब्रा में हम एक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक्स कहाँ से आया, और शुरू में लोगों ने एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए डिफरेंट तरह के टूल्स कैसे इस्तेमाल किए। वीडियो आई है पसंद तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा।